नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कंज्यूमर टेक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन फाइंड एक्स की, और ये देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि जो लोग इसको लेने के लिए पागल हो जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे पास आ गया है ओप्पो का फाइंड एक्स, तो आइए देखते हैं कि फ़ोन में हमें खोलते ही क्या मिलता है। फ़ोन की पैकेजिंग ओप्पो की थोड़ी सी रूटीन पैकेजिंग से थोड़ी अलग है। हमें यहाँ पर एक साइड से स्लाइड करना है और हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक सुंदर सा सलोना सा ओप्पो का फाइंड एक्स। और जैसे ही मैंने ओपन किया तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऑप्शन दिखाई दिया, तो मैं यहाँ पर इसको रिबूट कर लेता हूँ जिससे मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। और इस बीच हम फ़ोन की एक ओवरलुक देख लेते हैं। मैं फ़ोन के बेसमेंट की बात करूँ, फ़ोन के नीचे की बात करूँ, तो फ़ोन में आपको मिलता है USB टाइप सी चार्जिंग के लिए, जो आपको आता है वूक चार्जिंग के साथ, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जिंग है। और वूक हमें दे रहा है ओप्पो, जो फ़ोन को लगभग और लगभग 35 से 40 मिनट में 75% तक चार्ज कर देगा। अब फ़ोन की राइट साइड की बात करूँ, तो फ़ोन की राइट साइड में आपको एक लॉक बटन मिलता है और फ़ोन की लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। इसको आप अप डाउन वॉल्यूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ ऊपर आपको एक सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और बॉटम में आपको मिलता है साथ के साथ एक स्पीकर। अब फ़ोन के स्क्रीन की बात करूं, तो 93.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो का स्मार्टफोन आज तक किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, तो मैक्सिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशो है किसी भी फ़ोन में। साथ के साथ हमारे पास जो इसका कलर है वो है ग्लेशियर ब्लू। साथ के साथ आपको ये फ़ोन बोर्डेक्स रेड कलर में भी मिलेगा, पर मेरे ख्याल से ये कलर भी बहुत शानदार है। आइए दोस्तों, फ़ोन की हम जो मेन हाईलाइट है उसकी बात करते हैं, जो कि है इसका पॉपअप कैमरा। छोटी सी आपको एक झलक दिखाता हूँ इसकी पॉपअप कैमरा की, ध्यान से देखिए। जैसे ही आपने फ़ोन को ओपन किया, कैमरे को ओपन किया, कैमरा अचानक से ओपन हो जाता है। जैसे ही मैं इसको बैक करता हूँ, ऑटोमेटिक ये शट डाउन। ये है इसके कैमरे की खासियत। फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का 3D AI इनेबल्ड कैमरा, जस्ट लाइक फेस ID आपको प्रोवाइड करता है। फेशियल अनलॉक में भी ये 3D फेशियल अनलॉक की तरह काम करेगा। बैक की बात करूँ तो बैक में भी आपको ड्यूल रियर कैमरा मिलता है। जी हाँ, ड्यूल रियर कैमरा 16+20 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा मिलता है, जो कि शानदार और बड़े अच्छे पोर्ट्रेट शॉट मिलता है, क्योंकि जो सेकेंडरी कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सर फ़ोन की बहुत ही उमदा खासियत और डिस्प्ले की खासियत है। डिस्प्ले देखेंगे आप S8+, S9+, Note 8 की तरह देख सकते हैं। कर्व स्क्रीन में बड़ा प्रीमियम डिज़ाइन है। फ़ोन के बैक डिज़ाइन की बात करें, आपको फ़ोन के बैक में भी ग्लास डिज़ाइन मिलता है, ग्रेडियंट ग्लास डिज़ाइन मिलता है, जो काफ़ी देखने में प्रीमियम लगता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ओप्पो ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस तरह का फ़ोन निकाल कर। एक कॉन्सेप्ट फ़ोन है, शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये फ़ोन हम आज के टाइम यूज़ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन के रिगार्डिंग और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहें, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय हिंद।